अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबके साथ साजिद महमूद और आप देख रहे हैं SSTech.साजिद। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के हम अपने लेसन 6 को शुरू करते हैं HTML के, जिसके अंदर आज हम एंकर के टैग को पढ़ेंगे कि एंकर हम किसी कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताते चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले हासिल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और आज का जो हमारा टैग है वो है ए। ठीक है, हमने इसके स्टार्ट किया और एंड कर दिया। एंकर का जो एट्रीब्यूट है जिसे हम नहीं छोड़ सकते वो है हैशरेफ। ठीक है, एंकर हैशरेफ से ही काम करता है, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। तो इससे पहले हम कुछ और चेंज करें तो हम यहाँ एक चीज़ ऐड करते हैं। हम अपने रूट फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं page2.html के नाम से। ठीक है, एक्सटेंशन देना ज़रूरी है क्योंकि एक्सटेंशन अगर आप नहीं देते तो वो फाइल जो आप सेव करेंगे वो किसी और फॉर्मेट में सेव होगी, इसलिए HTML का एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। और चलें हाँ जी, अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, टाइटल दे देते हैं इसको हम page2। ठीक है, और बॉडी में आकर हम यहाँ एक हेडिंग दे देते हैं H1। वेलकम टू page2। ठीक है, हमने ये पेज यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हैशरेफ के अंदर हम इसे बताते हैं कि हैशरेफ में इसने क्या करना है कि page2.html पे जाना है। ठीक है, और यहाँ मेंशन कर देते हैं क्लिक हियर टू गो page2। इसे हम सेव कर देते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट कलर के अंदर है, जबकि हमने इसका कोई कलर चेंज नहीं किया। बेसिकली ये एक लिंक बिल्ट हो चुका है और लिंक जो है वो आपने देखा होगा कि चाहे आप गूगल पे भी सर्च कर लें, कहीं भी देख लें कि वो हमेशा इसी तरीके से ब्लू कलर में ही आते हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखें, जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू page2। इसका मतलब ये है कि हमने जो लिंक क्रिएट किया था यहाँ पर हैशरेफ एंकर के ज़रिए, कि जैसे ही हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट हो जाएंगे इस page2 पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वैसा ही हुआ। हम बैक करते हैं, ठीक है, और दोबारा क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ आते हैं page2 में और यहाँ एक एंकर का टैग लगा देते हैं हम। इसे हम कह देते हैं कि आप जब हम यहाँ पर क्लिक करें तो first.html पे चले जाएं। आप यहाँ टेक्स्ट कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन जो है वो आपके काम पे डिपेंड करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो वो उस वक्त जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसके मुताबिक आप यहाँ कोई भी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया और अब चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है गो टू page1। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम अपने page1 पर आ जाएंगे और जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो page2 पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है एंकर को यूज़ करने का। आप एंकर के टैग को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और लिंक क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी, ये टैग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई चीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Smoking, no cooking, no hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the pork pot.